इमाम साहब। राजा आज तुम जेल से छूट रहे हो और जेल से बाहर की दुनिया में जाकर तुम शराफत की जिंदगी गुजारने की पूरी कोशिश करना, ये आप मुझे हर बार कहते साहब। लेकिन इसका तुम पर कोई असर नहीं होता। बहुत असर होता है साहब, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि पुलिस मुझे नहीं पकड़े, लेकिन क्या करूँ, मैं हूँ एक और पुलिस वाले इतने सारे, पकड़ा ही जाता हूँ। तो फिर ऐसे काम क्यों करते हो साले कि पुलिस वाले तुझे पकड़े। इंस्पेक्टर साहब मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कोई काम करूँ, लेकिन जब पापी पेट को भूख लगती है, जब तंग को कपड़ों की सख्त जरूरत पड़ती है और जब खोपड़ी खिसकाने के लिए शराब की जरूरत पड़ती है, तब तुम साले ऐसा काम करते हो। मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो तो है साहब, आप तो मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं ना। जानता हूँ, इसीलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, सुधर जाओ साले, अभी भी टाइम है, वरना अगली बार जब मैं तुझे पकड़ूंगा तो इतनी लंबी सजा दिलवाऊंगा कि साले पूरी जवानी तेरी जेल में गुजर जाएगी, समझा? समझ गया साहब, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं नहीं पकड़ा जाऊं। मैं चलूं साहब, वो क्या है कि गाड़ी गैरेज में बहुत दिनों से बंद पड़ी है ना, सोचा थोड़ी सी सर्विसिंग करा लूं। मैं जा सकता हूं? Get out! अरे राजा, अरे आओ आओ चोरों के चाचा, बैठो बैठो, क्या पियोगे? आज तो तू अपने को थेरोई पिला दे, कैसे स्कॉच पिएंगे? ए बटले, एक ग्लास तो ले आ। क्यों, तेरी कोई लॉटरी लगने वाली क्या? सिर्फ मेरी नहीं, तेरी भी। सेठ घनश्याम दास की तिजोरी में लाखों के जेवर और ये कैश भरा हुआ है। अरे छोड़ो चाचा, उसके घर में दिन में तो क्या, रात में भी घुसना मुश्किल है। लो पियो। देख, उसके घर में बेटी पैदा हुई है और लक्ष्मी आने की खुशी में उसके घर में जश्न मनाया जा रहा है। जश्न? जश्न के भीड़ भाड़ का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन इस काम के लिए मुझे मेरी चोर मंडली की सख्त जरूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ, बुला ले उन तीनों को भी। यही तो मुश्किल है चाचा, वो तीनों मुझसे बहुत नाराज है। पिछली बार जो हाथ मारा था ना, माल भी हाथ नहीं लगा, और उन तीनों को जो पुलिस से मार पड़ी है वो अलग। देख राजा, मैंने तो ये खबर तेरे लिए रख रखी थी, और अगर तू ना बोलता है तो मैं किसी और पार्टी को फिट कर देता हूँ। नहीं नहीं चाचा, काम तो ये मैं ही करूंगा, वो तीन मुझसे नाराज है तो क्या हुआ, है तो मेरे बचपन के दोस्त, उनको पटाने में कितनी देर लगेगी। जो लोग देर से आए उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज सवेरे सवेरे खेतवाड़ी ने टॉस जीता और उनके कप्तान लोकनाथ ने चिंचपोकली के खिलाड़ियों को, बल्लेबाजों को मैदान में उतरने के लिए आमंत्रित किया और उठा दिया है एक छह रन के लिए। स्टेडियम के छत को पार करते तुम्हें तो छत पर टप्पा खाता हुआ बॉल दूसरी गली में जाके खो गया है। उस्ताद अपने गेम का कबाड़ा कर दिया। अंकल अंकल बॉल दो ना। बॉल चाहिए जी, इधर आओ। यह रोज रोज का नाटक बंद करना इस पड़ेगा, आओ मेरे साथ। बॉल के पीछे गया हुआ एक खिलाड़ी वापस आता हुआ, हाथ में कोई बॉल नहीं, शक्ल पे उदासी छाई हुई, बार बार अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए तहकीकात के लिए कमेंटेटर उठता हुआ। कौन मारा? क्या हुआ रवि? जग्गू दादा ने मारा, बॉल भी नहीं दिया। किसने? जग्गू दादा ने। चलो मेरे साथ। जग्गू दादा की टीम मैदान में उतरते हुए खेल में तब्दीली होने के पूरे चांसेस। ये क्या हो रहा है? आज के बाद बच्चे यहां नहीं खेलेंगे। भाई बच्चे कल के गावस्कर और कपिल देव हैं, अगर ये लोग यहां नहीं खेलेंगे तो कल हिंदुस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीत कर कौन लाएगा, तुम या तुम्हारा बाप? देखो दादा, गुस्सा मत करो, क्योंकि हम लोग पड़ोसी हैं, इसलिए बेहतर इसी में है कि जिन हाथों से तुमने अभी अभी विकेट उखाड़े हैं उन्हीं हाथों से लगा दो, वरना क्या कर लेगा तो? वरना बाउंड्री पे बाउंड्री मारते हुए। अगली गेंद व्हाइट बॉल कट करते हुए बाउंड्री के बाहर, चार रन के लिए। कैप्टन की बारी, ब्लॉक करते हुए हुक करता हुआ और
एक अच्छे ओवर की समाप्ति, नया बॉल आता वक्त काफी चमक थी। मौसम की खराबी की वजह से अभी अभी थोड़ी देर के लिए खेल रुक गया था, उसके लिए हमें खेद है। अब जमीन पर लुढ़के हुए अर्धमूर्छित सारे बादल छटते हुए प्लेयर्स वापस फील्ड में आते हुए और खेल शुरू होने की पूरी तैयारी। मुझे भी एक मैच खेलना है दोस्त। इस बार मैच जीत गए ना तो बजाय चांदी के कप के सोने की थाली मिलेगी, जिसमें हम सब मिलकर मुर्गी खाएंगे। मुर्गी की लालच में जब भी हमने तुम्हारा साथ दिया ना, हमारे हिस्से में दाल आई है, वो भी जेल की। पिछली बार जो हमारे साथ बेईमानी की थी उसे भूलते हुए दोस्त? अरे यार पुरानी बातों को भूल जाना, इस बार मैं तुम लोगों के साथ सही ईमानदारी से काम करूंगा, तेरी सर की कसम इंदर। फिर से झूठी कसमें खाते हुए और मुझे जिंदा ऊपर भेजने की पूरी तैयारी। देख इंदर, मैं ये एक एक रन बनाकर बहुत थक गया हूं यार, इसलिए अब मैंने सीधा छक्का मारने का प्रोग्राम बनाया है। तो कुछ भी बना ले मगर हमें नहीं बना सकता। मैं चुसली और भीमा ये फैसला कर चुके हैं कि जिंदगी भर तेरे साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे वो दोनों तो हाथ मिला चुके हैं दोस्त, बस तेरा साथ बाकी है। यानी कि दोनों मानते हुए? हाँ। बाउंसर फेंकता हुआ? हाँ। चलो ठीक है, अगर वो दोनों मान गए हैं तो मैं भी तेरे साथ हूँ। मगर एक बात याद रखना, अगर इस बार भी तूने बेईमानी की ना तो क्लीन बोल्ट हो जाएगा और ये बेईमानी तेरी जिंदगी की आखिरी बेईमानी होगी। मंजूर। अच्छा यार अब एक चीज बता कि बीमा का मिलेगा? यानी कि गुगली फेंकते हुए? इसका मतलब तो भी है कि अगर तू मान गया तो वो भी मान जाएंगे। क्यों मैं बहुत बड़ा ज्यादा बनता तू? कौन है तू? कल जिसे तूने मारा था उसका बड़ा भाई हूं मैं। हमारे बीच में मत करो भाई साहब। शुक्रिया। क्या हाल है बीमा? किस लिए आया यहां? माफी मांगने। हो सकता है कि आज के बाद तुझसे मुलाकात न हो। राजा तेरी आंखों में आंसू? भीमा तुझे यह सुनकर जरूर दुख होगा लेकिन मुझे एक जानलेवा बीमारी हो गई है। क्या बात कर रहा है राजा? हाँ मेरा टाइम पूरा हो चुका है यार। बड़े बड़े डॉक्टरों से राय ली है और सबका यही कहना है कि तेरा यह दोस्त सिर्फ दो एक महीने के लिए जिंदा है। ऐसी बातें मत कर यार, तेरे दोस्त मर गए क्या? हम कराएंगे तेरा इलाज, हिंदुस्तान में नहीं तो विदेश में तेरा इलाज कराएंगे, मगर तुझे इस तरह मरने नहीं देंगे। मगर विदेश में इलाज करने के लिए तो पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा ना? वैसे मेरे पास पैसों का इंतजाम करने के लिए एक तरकीब है, लेकिन अगर तू मेरा साथ देगा यार
अरे तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। सच? मुझे तुझसे यही उम्मीद थी यार। अच्छा अभी ये बता, हाँ? कि चूसरी कहाँ है? ए चूसली, तूने मुझे गले लगाकर मेरा दिल खुश कर दिया यार। मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि तू मुझे इतनी खुशी से मिलेगा। क्यों? मैं तो हर कमीने को इतनी खुशी से ही मिलता हूं। मैं कमीना हूं? नहीं नहीं नहीं, तू सिर्फ कमीना ही नहीं, कुत्ता है, सुअर है, गधा है, बेईमान है, धोखेबाज है, क्या क्या नहीं है तू। बोल इधर क्या करने आया, कुछ पैसा वैसा चाहिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ समझ गया, जरूर तेरी शैतानी खोपड़ी के अंदर कोई प्लान होगा जिसमें मेरी जरूरत होगी। क्या खोपड़ी है तेरी चूसली? बात दरअसल मैं कोई सुनने मुनने वाला नहीं हूँ, तेरे चक्कर में आने वाला नहीं हूँ। अरे किधर जाता है बीमार इंदर, मान गए चूसली? उनके बुरे दिन आ गए होंगे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देख उन दोनों से तो तू मेरा सबसे पक्का दोस्त है ना यार, उन्होंने मुझे एक आखिरी चैनल दिया, अब तू भी मुझे एक आखिरी चैनल दे देना। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। आई पढ़ चाल पाव पाए तेरी तो यही बनाता है, बहुत बास मारता है बस। मजा आया? सुन अगर तूने अब की बात चीटिंग की तो मत भूलना कि मेरा नाम चूसली है। जिस तरह से लोग आम का रस चूस कर गुठली बाहर फेंक देते हैं, उसी तरह मैं तेरा खून चूस कर तुझे बाहर फेंक दूंगा। समझ गया? समझ गया। लग रहे राजा ने अपने साथियों को क्यों जमा किया है? बोल बोल रहा साले, तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। वो सिर्फ गंजाम दस की चोरी करने वाले। Thank you.
मनी है कमाल, मनी सुरतार, मनी की तार, मंडे उछाल। फेस बदलना पुलिस वालों को भी आता है। तुम लोगों का ड्रामा मैंने इसलिए इतनी देर तक बर्दाश्त किया क्योंकि मैं तुम चारों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इंस्पेक्टर साहब, आपने तो पान खाया था ना? पुलिस वाले ड्यूटी पर पान नहीं खाते हैं। तो फिर क्या खाते हैं? मुजरिमों की जान। हाथों पर करो। जाओ, आवाज नहीं वरना जान से मारूंगा। भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये दौलत आज मत ले जाइए। मैं अपनी बच्ची को आज ही अस्पताल से लेकर आई हूँ। अगर आपने इस घर को कंगाल कर दिया तो मेरी बच्ची लक्ष्मी के बजाय मनोज कहलाएगी। मैं ये सारी दौलत आपकी अमानत समझकर अपने पास रखूंगी। आप जब भी आएंगे मैं इसे आपको लौटा दूंगी। मैं अपनी बच्ची की कसम खा के कहती हूँ, लेकिन आज इसे मत ले जाइए। मेरी बच्ची को सारी जिंदगी के लिए मनुष्य मत बनाइए। क्या कर रहे हैं बहन जी आप? आपका पति मर गया, इसमें इस बेचारे का क्या कसूर है? किसी का कसूर है? मनुष्य नहीं है, पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गया और आज आज ही अपने माँ बाप को भी खा गया। मैंने इन्हें लाज समझाया मगर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मनोज, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? बोल, निकल जा यहाँ से मनोज, दबा हो जा। ये लो बहन, ये मेरी अमानत नहीं तुम्हारी दौलत है। जिस बच्चे पर मनहूस नाम की मोहर लग जाती है उसे जिंदगी में कितने दुख सहने पड़ते हैं शायद मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। तुम्हारी बच्ची मनोज ने इस घर की लक्ष्मी कहलाएगी। भैया, आप उठ के निकल जाओ। तुम भी अजीब आदमी हो राजा, हाथ आए हुआ माल कोई ऐसे वापस कर देता है। मेरी वजह से वो बच्चा सारी जिंदगी मनुष्य कहलाए, उसकी माँ घोट घोट कर दम तोड़ दे। ये राजा बर्दाश्त नहीं कर सकता चाचा। अरे भाई, तू चोर है, तेरा काम चोरी करना है। उस बच्चे से या उसकी माँ से तुझे क्या लेना देना? उस बच्चे में मुझे अपना बचपन नजर आया चाचा। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पिताजी गुजर गए, लोग मुझे मनुष्य कहने लगे। उसमें मेरा क्या दोष था? ये ताने मेरी मां बर्दाश्त नहीं कर सकी, मुझे 2 साल का छोड़कर वो चल बसी। उसके बाद रिश्तेदार, मोहल्ले के सारे लोग मुझे सिर्फ एक नाम से पुकारते थे, मनोज
मनोज मनोज बस कर राजा तू बहुत पीछे आज मुझे मत रोक चाचा आज उस पापी के दिल का पुराना जख्म खुल गया शराब उसे भरेगी तभी तो कल सुबह राजा फिर से राजा होगा देख पुलिस तेरे पीछे है हाँ तू जो कुछ भी करेगा ना सोच समझ के करना अरे पुलिस से आंख में चोली तो मैं बचपन से खेलता हूँ चाचा लेकिन ये साली किस्मत जो मेरे साथ आंख में चोली खेलती आई है अब देखना मैंने कुछ नहीं किया फिर भी मेरे साले वो तीन दोस्त मुझको गलत समझ रहे होंगे राजा बाहर है और वो भी माल के साथ हमारे हाथ पे हाथ धरे रहने से काम नहीं चलेगा छोटी सजा को लंबी सजा करने की कोशिश जेल तोड़कर भागने से और भी ज्यादा फंसने के पूरे चांसेस तुम्हारा आइडिया बिल्कुल फ्लॉप ब्रूस ली हाँ ब्रूस ली इसकी मोटी खोपड़ी जरूर है लेकिन आज इसने अक्लमंदी की बात की है इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम जेल के अंदर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो बाहर राजा सारा माल रास्ते लगा देगा लात और घुसों का ऐसा तालमेल मिलाएंगे कि साले को क्लीन बोल्ड कर देंगे आपकी बार तालियां तालियां भैया दोस्तों मैं वादा करता हूं कि इस देश से गरीबों को मिटा गरीबी मिटा कर रख दूंगा हर घर में खुशहाली होगी हर घर में भूख को मिटा कर रख दूंगा ए तालियां इनके जैसे शुद्ध विचार वाले दो चार नेता और मिल जाए तो इस धरती का क्या सूरज चांद सितारे स्वर्ग में सबका कल्याण हो जाएगा तालिया भाई साहब तालिया मुझे आपका हाथ चुम लेने दीजिए आज तो मैं आपका जबरदस्त बहुत हो गया हूँ गली गली यही किनारा लगाता फिरूंगा वोट बोल मोहन बाबू वोट बोल मोहन बाबू वोट बोल मोहन बाबू काश इस देश का हर नौजवान उस नौजवान की तरह हो जाए जो मैं मेरी अंगूठी ले गया वोट फॉर मोहन बाबू जिंदाबाद वोट फॉर राजा नाम चलेगा चलो भाई साहब जल्दी से ताजमहल होटल चलो टैक्सी खाली नहीं है साथ मर गए थाने में खबर करो ठीक है मुझे और कोई टैक्सी मिल जाएगी इधर सरकारी टैक्सी से बच जाऊं अरे पीछा करो किसका उस टैक्सी का चलो जल्दी 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 पकड़ उसको पकड़ पकड़ अरे अरे मेरा पास जल्दी चला ना संभाल के खड्डे संभाल ये ले बाकी तू रख ले अरे भाई साहब वो लड़की किधर गई वो तो अंदर गई इस होटल में कैबरे डांस करती है राजा जैसे बदमाश बड़ा हाथ मारने के बाद ऐसे ही क्लबों में जाके अय्याशी करते हैं आप जाके वहां पे चेक इन करो मैं आगे जाके चेक करता हूं अबलार आप लोग आओ मेरे साथ
दिल पे बिजली गिरा गई ना। इसका डांस देखे बगैर तो नींद ही नहीं आएगी। अरे बाबू बाजार की पूरी खबर रखता है सेठ, तुम फिक्र मत करो, जब कहोगे घर में नचवा देंगे। वो हार तुम्हारे गले में तब जाएगा जब तुम हमारे गले लग जाओगे। धीरज सिंह, धीरज अपना धीरज खोता जा रहा है। तुम्हारी चाहत ने हमें दीवाना बना दिया। आओ हमारी दीवानगी दूर कर दो। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। आज से दुनिया में हर औरत एक मर्द के लिए बनी, तुम हमारी बन जाओ। आओ मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। देखो डार्लिंग, हम ठाकुर हैं ठाकुर, और हमें जो चीज पसंद आ जाती है उसे हम जरूर हासिल कर लेते हैं। और हमें जो चीज पसंद नहीं आती हम उसमें टांग जरूर अड़ाते हैं। ए वाले तो बातों से बताओ या हाथों से? ठाकुर पे हाथ उठाता है? अबे ठाकुर होगा अपने घर में एक दो साला। ये हो रहा है, कौन हो तुम? ठाकुर साहब पे हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैनेजर साहब, गलती इनकी नहीं, गलती धीरज सिंह की है। ये मुझसे जबरदस्ती कर रहा था। धीरज सिंह जी आप, I'm so sorry, sorry, sorry मैडम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो ना जाने क्या क्या हो जाता। आप मुझे यही कहना चाहते थे? तो हम ये बातें रास्ते में भी कर सकते हैं। रास्ते में? आप घर ही जा रही है ना, मैं छोड़ देता हूँ आपको। जी वो चलिए ना, कपड़े बदल लीजिए, काफी देर हो चुकी है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलिए
ठाकुर साहब, अगर आपका इश्क इतना जोर नहीं लगाता तो शायद मुझे अपनी ये चीज वापस नहीं मिलती। थैंक यू ठाकुर धीरज सिंह। बेटी मां, मां से नहीं मिलेगा, मां के गले नहीं लगेगा। तू जानती है सब ढकोसलेबाजी अपने को पसंद नहीं, गले मिलो मगरमच्छ के आंसू बहाओ, सीधा सीधा बोल ना गांव से का भाई। आज शाम को, शाम को शहर में कोई काम था हा? इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है एक माँ के लिए कि वो अपने बेटे को एक नजर देख ले। बेटा तू एक महीने से गांव नहीं आया, माँ से मिलने को तेरा दिल नहीं किया। अरे फिर वही दिखावे की बात है। अरे बेटा जब जवान हो जाता है तो माँ के पल्लू से बंदा नहीं रहता वो हा? लेकिन माँ को सुख देना बेटे का धर्म होता है। अरे तुम्हारे पास पैसा है, नौकर चाकर है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, अरे तुम्हें किस बात का दुख है? बेटा दिन रात शराब में डूबा रहे, इससे ज्यादा दुख एक माँ के लिए क्या हो सकता है? तुम्हें तो मेरी शराब से नफरत है। मेरा बाप ने पीता था, मेरा दादा मेरे चाचे शराब ने पीते थे। हाँ जरूर पीते थे, लेकिन हवेली छोड़कर इस तरह होटलों में नहीं पड़े रहते थे। अरे इसलिए क्योंकि उनको सब कुछ हवेली में मिल जाता था ना। बेटा तू भी घर बसा ले, फिर तेरा हवेली में दिल लग जाएगा। तेरी बहन पुष्पा भी शादी लायक हो गई है अब। देख माँ, तू पुष्पा की शादी करा ले, मैं शादी करने वाला नहीं हूँ, और अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी मर्जी से करूंगा और लव मैरिज करूंगा। अभी तू जा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दे। साहब, जिस काम के लिए आपने मुझे ठकुराइन के यहां मैनेजर की नौकरी दिलवाई थी वो काम काफी कुछ पूरा हो चुका है। उसके बेटे धीरज को मैंने शराब और औरत का दीवाना बना दिया, और आज जिस बदतमीजी से उसने अपनी मां से बात की, खून के आंसू रुला दिए बेचारे ठकुराइन को। हमारे सामने उस औरत को बेचारी मत कहो नागनाथ, जो दुख हम उसके चेहरे पर देखना चाहते हैं, जो जख्म हम उसकी ममता पर पहुंचाना चाहते हैं, ये तो सिर्फ उनकी शुरुआत है। हमारे तरकश में कई तीर हैं जिनके जख्म ठुकराइन को पल पल तड़पाएंगे। फिर हम उसे बताएंगे कि चौधरी रघुवीर सिंह से दुश्मनी लेने का क्या नतीजा होता है। जैसे ही पेपर में पढ़ा कि किसी ने नेताजी की अंगूठी हाथ से गायब कर दी है, मैं समझ गया कि तुम जेल से छुट गए हो। ठीक समझे, अब माल परख के कीमत बताओ। अरे इसको क्या परखना, ये तो अपनी दुकान की बनी है, 25,000 दूंगा, पूरे 25,000 बस। अच्छा ठीक है भाई, निकाल निकाल माल निकाल। एक मैं छुप रहा हूं, बताना नहीं। नमस्ते सेठ जी।
नमस्ते नमस्ते, क्या खरीदोगी क्या बेचोगी देवी? कुछ बेचना खरीदना नहीं सेठ जी, मैं अपना हार छुड़ाने आई हूँ। पर इसका टाइम तो खत्म हो गया। पता है सेठ जी, लेकिन पैसों का इंतजाम करने में थोड़ा वक्त लग गया। मुझे वो हार दे दो सेठ जी, मेरी माँ की आखिरी निशानी है वो। मन्ने अफसोस है, कल रात ही मैंने उसे भट्टी में गला डाला। ऐसा मत कहो सेठ जी, आज मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन पर माँ की निशानी पहन के मुझे ऐसा लगता है जैसे माँ की आंचल में समा गई हूँ। आप हजार डेढ़ हजार ज्यादा लीजिए, लेकिन मुझे वो हार दीजिए सेठ जी। मन्ने माफ कर दो, आर्डर पर ऐसा हार बनाकर दे सकता हूँ, लेकिन उस हार के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं देवी जी, अब काहे को खड़े हो, मेरे धंधे का टाइम है, मेरी खोटी मत करो। जाओ जाओ प्लीज जाओ, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ जाओ। अरे बड़ी आई है हार लेने वाली। से अगर ये चाकू तुम्हारे पेट में घुस जाए तो क्या भट्टी में गला हुआ हार दोबारा मिल सकता है? अरे बनने का क्या, बनना बनाया पड़ा हुआ है। अच्छा तो निकाल निकाल। निकालता हूँ लेकिन मेरा नुकसान। नेता की अंगूठी में से काट लेना। आप कैसी हैं? आप अच्छी हो। वो तो हो, लेकिन परेशान क्यों? परेशान नहीं तो। देखो झूठ बोलने वालों को तो मैं चुटकी बजाते ही पकड़ लेता हूँ। पुलिस में है आप? अरे नहीं नहीं, लेकिन पुलिस वालों के साथ अपना उठना बैठना काफी है। खैर आपके लिए जो मैं तोहफा लेकर आया हूँ उसे देखकर आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये हार आपको? जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन? लेकिन आपको कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? देखो बताना नहीं है किसी को, लेकिन बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ मैं। अच्छा? हा? और मेरे ज्योतिष विद्या ने मुझे ये बताया कि तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी एक जौहरी के पास गिरवी रखी है। तुम उसे लेने गई लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया। बेचारा मुझे इनकार नहीं कर सका, इसलिए हार तुम्हारे पास आ गया। राजा तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कोई एहसान वैसा नहीं किया मैंने, लेकिन अगर तुम ऐसा समझती हो तो बदले में तुम भी मुझे कोई तोहफा दे सकती हो। अच्छा तुम्हारा जन्मदिन कब है? जन्मदिन जन्मदिन जन्मदिन। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? इसमें हंसने की तो बात है, ऐसा मनुष्य दिन को याद रखता है क्या? जो बच्चा पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा जाए, जिससे सारे रिश्तेदार अपना रिश्ता तोड़ ले, फुटपाथ रेलवे स्टेशन जिसका घर हो, ऐसे अनाथ बच्चे से कोई उसका जन्मदिन पूछ ले तो हंसी नहीं आएगी क्या? खैर छोड़ो, अगर तुम तोहफा देना ही चाहती हो तो कभी भी ले सकती हो, लेकिन तोहफा अपनी पसंद का दोगी या मेरी पसंद का? इसका फैसला तुम पर है। सोच लो, मैं काफी कीमती तोहफा भी मांग सकता हूँ। जान से ज्यादा कीमती तो कोई चीज नहीं हो सकती है ना? आपके लिए तो जान तक हाजिर है। आपको
सोच रहे हो तुम? आरती, आज तक मेरे पास सोचने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन तुमने मुझे एक बात सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या बात? आरती, मुझे तुमसे प्यार करने का अधिकार है या नहीं? प्यार सोच के नहीं किया जाता है राजा, यह तो हो जाता है। वो प्यार जिसकी कोई मंजिल ना हो, वो होना भी नहीं चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। आरती, तुम नहीं जानती कि मैं एक पापी हूं, एक चोर हूं। राजा? हाँ आरती, मेरा इस दुनिया में मेरे तीन पापी दोस्तों के सिवाय और कोई नहीं। फुटपाथ पर पलने वाले पापों ने हमारी परवरिश की। हम पापियों का भविष्य घर बार, बीवी बच्चे, प्यार नहीं, जेल है। पापी दुनिया को मैंने बहुत करीब से देखा है राजा। मेरी एक मौसी है जो गांव में रहती है, लोगों के घरों में बर्तन मांजकर मुझे पाला पोसा। जब बड़ी हुई तो एक मास्टर ने मुझे नाचना सिखाया। एक नाचने वाले को बिस्तर पर ले जाने की कोशिश करने वाले शरीफ पापी तो मुझे बहुत मिले, लेकिन प्यार का अधिकार मांगने वाले मुझे सिर्फ तुम मिले, सिर्फ तुम। अगर हो सके तो इस पापन को अपनी पापी दोस्तों में शामिल कर लो। ठीक है आरती, आज से हम चार नहीं, पांच पापी हैं। आज से हमारे प्यार के बीच में कोई नहीं आएगा। राजा, दादा बनने में यही तो साला लफड़ा है। लड़कियां प्यार से मिलने की बजाय डर जाती हैं। है? तू इतने दिनों से क्लब में काहे को नहीं आई? देख, बाबू दादा बाजार की पूरी खबर रखता है। बात यह है कि कई दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे सोच समझ के अपनी तबीयत खराब किया कर। जानती है तेरी तबीयत खराब होती है तो कितने लोग बीमार हो जाते हैं? हर रोज क्लब में जाते हैं, तेरा नाच गाना सुने बगैर वापस चले जाते हैं।
रातों को इन बेचारों को नींद नहीं आती है ना। अब जरा जल्दी से मेरे मेहमानों को खुश कर दे। क्या मतलब? अरे मतलब क्या, जरा नाचो वाचो, इसलिए तो लेके आया हूं इनको। ये मेरा घर है बाबू दादा, कोई कोठा नहीं। कमाल है, बाबू दादा के एक इशारे पर अच्छे अच्छे मर्द नाचना शुरू कर देते हैं और ये लड़की होकर ड्रामा कर रही है। अच्छा सुन, अगर तेरे को तेरे घर में नाचने को शर्म आती है तो अपन को बोल, अपन तेरे घर को अभी कोठा बना देते हैं। कोठे आबाद करने का काम तो दलाल करते हैं बाबू दादा। क्या आजकल दादागिरी का धंधा कुछ ठंडा चल रहा है जो तुमने ये नया काम शुरू कर दिया? अबे ओ जोकर, बोलो तू। अरे मैं जो भी हूँ तुम गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा था कि धंधा तो धंधा होता है, कभी भी मंदा हो सकता है और कभी कभी चंदा मांगना पड़ता है। वैसे ये कोठा बनाने का आइडिया भी बुरा नहीं है बाबू दादा, वेरी गुड आइडिया। लेकिन मजा तब आता कि जब तुम अपने साथ नाचने के लिए अपनी बहन ले आते। साले, तूने बाबू दादा की बहन के बारे में बोला? क्यों भाई, दादाओं की बहनें क्या आसमान से टपकती हैं? पुलिस नहीं है। पुलिस पुलिस नहीं है? हाँ। तो ये पुलिस पुलिस कौन चलाया था? अपुन। तू चलाया था काय को? अरे अपुन तुम्हारा चमचा है, चिल्लाता नहीं तो लंबू तुमको जान से नहीं मार डालता। साथे, आज तूने बाबू दादा के हाथ से उसका शिकार निकलवा दिया। कोई बात नहीं राजा, बाबू भी बाजार की पूरी खबर रखता है, कब तक बचेगा मेरे हाथों से। राजा, आज के बाद तुम्हें मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं उठानी पड़ेगी, मैं ये मकान ही छोड़ दूंगी। बुजदिली की बात मत करो, राजा के साथ जिंदगी गुजारनी है तो डरना छोड़ दो। राजा तुम उसे जानते नहीं, बाबू दादा बहुत खतरनाक आदमी है। अरे ऐसे ऐसे बाबू दादाओं को तो राजा जेब में लेके घूमता है। दरवाजा खुला है, आओ बाबू दादा आओ। कहो सेठ, कैसे याद किया आप उनको, कोई खास काम है क्या? नहीं नहीं कोई खास बात नहीं, एक छोटा सा काम है। बोलो। एक खून करना है तुम्हें। मुर्गा कटवाना या बकरा? मुझे कसाई की नहीं गुंडे की जरूरत है, एक आदमी का खून करना है। तब तो ये बहुत कम है सेठ। मुंह मांगी कीमत मिलेगी बाबू, लेकिन काम हो जाना चाहिए। इसे पेशगी के तौर पर रख लो, काम हो जाने के बाद इतनी रकम और मिलेगी। लेकिन लेकिन की तुम फिक्र छोड़ो सेठ, आधा काम तो तभी हो जाता है जब बाबू एडवांस की रकम अपनी जेब में रख लेता है। जिसके ऊपर की टिकट कटवानी है उसका नाम और पता बताओ। होटल सिंड्रेला में रहता है वो, रूम नंबर 117। अच्छी तरह से शक्ल देख लो। धीरज, तुम जानते हो उसे? आरती नाम के कैबरे डांसर है, उसका आशिक है सला, हर रात क्लब में उसका डांस देखने के लिए आता है। लेकिन तुम लोगों की क्या दुश्मनी है इससे? पैसा लेकर काम करने वाले सिर्फ आम खाने से मतलब रखते हैं, पेड़ गिरने से नहीं। हम लोगों की से क्या दुश्मनी है या दोस्ती है इसका जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। तुम सिर्फ ये बताओ कि काम कब तक हो जाएगा। सेठ, खून करना तो बड़ा आसान होता है,
लेकिन खून के इल्जाम से बचना बहुत मुश्किल। सोचना तो यह है कि धीरज के खून के इल्जाम में मेरा एक दुश्मन फांसी पर कैसे चढ़ता है। हेलो धीरज साहब, आपको आरती मेम साहब ने बुलाया है। आरती ने हमें बुलाया? हाँ जी। कहाँ? अपने घर में। अरे डार्लिंग, हम पहुंचते हैं वहां, हम पहुंचते हैं। आरती डार्लिंग, हम आ गए। आओ ठाकुर धीरज सिंह, आओ। बुधा तो तुम? आरती का? आरती तो इस वक्त हमेशा रिहर्सल पर जाती है। लेकिन उसने तो हमें बुलाया था। उसने नहीं, हमने बुलाया था। क्यों? ताकि हमारा दुश्मन राजा फांसी के फंदे पर चढ़ जाए। फिक्र मत करो ठाकुर, राजा भी यहीं आने वाला है। लेकिन हमारा और राजा का क्या ताल्लुक है? है ठाकुर, देखो आरती की वजह से तुम्हारा और राजा का झगड़ा हुआ था, और अब इल्जाम लगेगा राजा पर और खून होगा तुम्हारा। आरती, धीरज, धीरज, ये सब क्या हुआ? किसने किया ये सब? तू घबरा नहीं, मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूं। अरे ड्राइवर साहब, जल्दी चलो, हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? हाँ। ए भाई, ये तो मर्डर का केस लगता है, अपन नहीं जाने वाला। ए भाई साहब, देखिए ये किसी की जिंदगी का सवाल है। नहीं, अपन नहीं जाएगा। नहीं जाएगा? स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, किम कर्तव्यम विमूढ़ हमारा दोस्त राजा। What happened darling? हम सब दोस्तों को एक साथ देख के तुझे तेरी माँ तो जरूर याद आई होगी। देखो दोस्तों, हम ये सब बात बाद में कर सकते हैं, इस वक्त किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। संपूर्ण रूप से कोमलता का प्रदर्शन करने की कोशिश मगर नाकामयाब। अरे यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर मैं इस आदमी को अस्पताल नहीं ले जाऊं तो ये मर जाएगा। मर जाएगा? बहुत ही गंभीर और संकटकालीन स्थिति, मृत्यु निश्चित। अबे मर चुका है। मर चुका है? हाँ? तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने खून नहीं किया। अबे बातें मत बना, अगर पुलिस आई ना तो इस बार लंबा जाएगा। जल्दी से जाकर लाश को ठिकाने लगा। को ठिकाने बाद में लगाना, पहले ये पता हमारा माल कहां ठिकाने लगा रखा है। मेरे पास वो माल नहीं है, ये बात मैं बाद में बताता हूं, इस वक्त मुझे जाने दो। अरे हा? पुलिस आती हुई, इसको बाद में समझ ले। चल चल चल
धीरज बाबू का खून किया किसने? शहर में एक राजा नाम का गुंडा है, उसने। हे भगवान, ये तूने क्या किया? एक बेटे को मुझसे दूर करके तुझे क्या चैन नहीं मिला? ये दूसरे को मुझसे छीन लिया, क्यों क्यों भगवान क्यों? क्या बाबू दादा? हाँ राजा, उस दिन मेरी रिहर्सल कैंसिल हो गई थी, इसलिए मैं घर जल्दी पहुंच गई थी। मैंने अपनी आंखों से बाबू दादा का उसका खून करते हुए देखा राजा। ये सब उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि पुलिस की नजरों में वो मुझे कातिल बना दे। लेकिन राजा, मैं पुलिस को जाके सब कुछ बता दूंगी, तुम मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। पुलिस तुम्हारी बात का विश्वास कभी नहीं करेगी आरती। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते, मुझे बचाने के लिए तुम कुछ भी कह सकती हो। लेकिन वो ये तो सोचेंगे कि बाबू दादा इतना बड़ा गुंडा है। तो मैं कौन सा दूध का धुला हुआ हूँ? मेरा पिछला रिकॉर्ड, उस चाकू पर मेरी उंगलियों के निशान, टैक्सी ड्राइवर, मोहल्ले वालों की गवाही, मुझे सीधा फांसी के तख्ते तक ले जा सकती है। नहीं राजा, फिर आखिर इसका हल क्या है? सिर्फ एक, बाबू दादा खुद अपनी जुबान से अपने जुर्म का इकरार करें। सुनो आरती, तुम कुछ दिन के लिए अपनी मौसी के पास गांव चली जाओ। नहीं राजा, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के इस मुसीबत में नहीं जा सकती। मेरी बात समझने की कोशिश करो आरती, तुम यहाँ से जाओगी तो तुम्हारी तरफ से मेरी फिक्र कम हो जाएगी। देखो, मैं ये मामला जल्द से जल्द निपटाकर तुम्हें लेने आऊंगा। राजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ नहीं होगा आरती, कुछ नहीं होगा, तू फिक्र मत कर। रहा बाबू दादा, पुलिस को सच वो तो क्या, उसका बाप भी बताएगा। तुम? हाँ बाबू दादा, मैं। तूने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी मुझे अंदर भिजवाने के लिए, लेकिन ये तेरी बदकिस्मती है कि मैं अब तक बाहर हूं। बदकिस्मती तो तेरी है बेटे, जो तू यहां चला आया, अब तू बाहर नहीं रह पाएगा। सांप की दूम पर पैर रखने वाला अकलमंद नहीं होता बाबू दादा, तुझे मेरे साथ चलकर पुलिस को सब कुछ बताना पड़ेगा। अबे ओ जोकर, जागते में सपने देखना अच्छा नहीं होता, जानते हो? अब मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर पुलिस चौकी के सामने फेंकवा दूंगा ताकि पुलिस को तुम्हें ढूंढने में कोई तकलीफ ना हो। बेगुनाही का सबूत कौन देगा? कहां जा रहा राजा? अब ये रास्ता शहर का नहीं, फांसी का है। ये उस साले राजा की तस्वीर है, इसकी कॉपियां बनवाओ और सारे पुलिस थानों में भेज दो। धीरज के खून के जुर्म में इसे फांसी के फंदे तक पहुंचाना है। और सुनो, इस तक पहुंचने के लिए इसके दोस्तों पर भी कड़ी नजर रखो। ओके? मैसेज करता हूं, मुझे नहीं मालूम राजा कहां है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है उसने आरती को उसके गांव भेज दिया, लेकिन वो खुद कहां मुझे नहीं मालूम। मुझ पर यकीन करो, मुझे नहीं मालूम। एक चिक्कार बेवड़बाज की जुबान से सच्चाई की खुशबू आते हुए क्यों चूसते? हां ब्रूस ली,
लगता है कि राजा आरती को गांव ही लेके गया होगा। फिर तो नोटों की पिच पर गेम खेलते हुए, धीरज के मर्डर के सिलसिले में काफी धन कमाते हुए। मैंने सुना था कि धीरज एक धनवान औरत का बेटा था। चौधरी साहब आए हैं मालकिन। ठुकराइन, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आपका बेटा धीरज, मैं तो फार्म पर गया हुआ था, बस खबर मिलते ही भागा चला आया। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर होने को कौन डाल सकता है। मैंने भी तो अपना इकलौता बेटा खोया था। मैं आपका दर्द अच्छी तरह से समझ सकता हूं। तकदीर का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। माँ, 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 विजय भाई आ रहे हैं। हाँ, माँ, विजय भाई आ रहे हैं। देखो ना उनकी चिट्ठी आई है। क्या? देखो ना माँ, उन्होंने क्या लिखा है। माँ, भूली तो नहीं मुझे? मैं तुम्हारा विजय हूँ, जो बचपन में तुम्हारी मार खाकर घर से चला गया था। वापस आ रहा हूँ माँ। इतने दिन तुझसे दूर रहा, तू नाराज तो बहुत होगी, लेकिन मैं अपने आप को तुझसे दूर नहीं रख सकता। भले ही तू मारे, लेकिन मैं अब तेरे पास आ रहा हूं। तुझे एक बात बताऊं मां, मैंने शादी भी कर ली है, लेकिन फिलहाल तेरी बहू मैके गई है। मैं कार से आ रहा हूं मां, 15 तारीख शाम तक पहुंच जाऊंगा। धीरज भैया और पुष्पा की बहुत याद आती है, जी चाहता है कि उड़कर तेरे गले लग जाऊं। तुम्हारा विजय। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। तेरे घर देर है पर अंधेर, अगर तू एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता भी है। रामो, विजय जिंदा नहीं रहना चाहिए। नहीं रहेगा, लेकिन एक बात का खास तौर से ख्याल रखना, विजय की मौत सिर्फ हादसा दिखाई देना चाहिए। ए, मारे आ क्या? अरे अरे अरे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सड़क के बीच इस तरह गाड़ी पार्क करते हैं क्या? हाँ? अरे ये बात तो मेरे ख्याल में ही नहीं आई। ऐसी बेख्याली कभी कभी इंसान को ऊपर तक पहुंचा देती है। क्या प्रॉब्लम है? पेट्रोल वेट्रोल नहीं है? पेट्रोल वेट्रोल तो है, कोई पुर्जा इधर उधर हो गया, आधे घंटे से लगा स्टार्ट ही नहीं हो रही है। ओहो, ये बात है। तो एक काम करते हैं, मेरे साथ आओ और किसी पेट्रोल पंप से एक मैकेनिक ले आओ। चलो आ जाओ, सोच क्या रहे हो, आ जाओ आओ। मेरा नाम विजय, तुम्हारा? राजा राजकुमार। राजकुमार, क्या देख रहे हो? ये फोटो मेरी मां की है। क्यों? मां ऐसी होती है। मतलब? मेरी मां बचपन में मर गई थी, याद नहीं कि मां कैसी होती है। तब तो हम दोनों की कहानी एक ही है दोस्त, तुम्हारी मां नहीं है। और मेरी मां होते हुए भी मैं 15 साल उससे दूर रहा हूं। मेरी मां होती तो मैं 15 मिनट भी उससे दूर नहीं रहता। सब तकदीर का खेल है दोस्त, सब तकदीर का खेल है। तुम्हारे घर में और कौन है? एक बड़ा भाई है, एक छोटी बहन है पुष्पा। एक दिन मैंने उसे खूब सताया और मां ने मुझे बहुत मारा, खूब मारा मुझे, लेकिन ठाकुरों का खून जो ठहरा मेरी रगों में, बहुत गुस्सा आया साहब, घर छोड़ के चला गया। दिन रात मेहनत की, बहुत पैसा कमाया, शादी भी कर ली, लेकिन मां की ममता जैसे जैसे हर पल मुझे आवाज देती रहती थी। लेकिन मैंने फैसला कर लिया, रहूंगा तो सिर्फ मां के साथ रहूंगा। लेकिन 15 साल के वनवास ने मुझे एक बात सिखा दी, मां बाप, भाई बहन, रिश्तेदार हों तो जिंदगी जिंदगी है, वरना कुछ भी नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा चक्कर सा आ गया। चक्कर आ गया? तो एक काम कर, पिछली सीट पे जाके लेट जा,
पेट्रोल पंप आते ही मैं तुझे उठा दूंगा। ठीक है, लेकिन बातें करते रहे ना, कहीं मैं सो गया और तू पेट्रोल पंप भूल गया तो मैं सीधा तेरे घर पहुंच जाऊंगा। बातें करता रहूंगा, भूलूंगा नहीं, जैसे पेट्रोल पंप आएगा उठा दूंगा। अभी तक आया क्यों नहीं? जरा फिर से पढ़ तो, चिट्ठी में क्या लिखा है? 10 बार पढ़ चुकी हूँ माँ, भैया ने साफ लिखा है वो शाम तक पहुंचेंगे। लेकिन शाम तो हो गई है। किसने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया? ओहो माँ, कोई ऐसा मजाक क्यों करेगा, मुझे पूरा यकीन है वो भैया की ही चिट्ठी है। आप तो बिना वजह परेशान हो रही हैं। ये परेशानी नहीं, एक तरसी हुई मां की ममता है जो बेटे के मुंह से मां सुनने के लिए बेचैन है। मां, मेरा बेटा। कहाँ चला गया था तू? नाराज हो गया था अपनी मां से? अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी, अब मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। नहीं मां, अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। भैया, ये तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? कुछ नहीं, रास्ते में छोटा मोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, जिस बेटे के साथ माँ का आशीर्वाद हो उसे भला कोई चोट लग सकती है? इतना छोटा सा काम तो नहीं कर सके? चौधरी साहब, हमने पूरे काम तो क्या, गाड़ी टुकड़े टुकड़े हो गया। गाड़ी के टुकड़े टुकड़े नहीं, मुझे विजय के टुकड़े टुकड़े चाहिए थे। इससे पहले कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, तुम यहां से दबा जाओ। गेट लॉस्ट यू बास्टर्ड, सन ऑफ अ बिच। चौधरी साहब, विजय के जिंदा बचाने का मुझे भी दुख है, मगर आपके सीने में जो आग लगी हुई है उसे मैं समझ नहीं पा रहा। दौलत की आपको कोई कमी नहीं, ठकुराइन की भी सारी जमीन जायदाद आप मुझे ही दिलवाना चाहते हैं, फिर उसे बर्बाद करके आपको क्या मिलेगा? सुकून, हमें दिल का सुकून मिलेगा नागनाथ, और दुनिया की कोई दौलत दिल के सुकून से बढ़कर नहीं होती। से हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है, हमने तुम्हें अपना दोस्त इसलिए बनाया था कि उससे हम अपना बदला ले सके। ठकुराइन से आपकी ऐसी क्या दुश्मनी है, जानना चाहते हो क्यों? ये देखो, ये हमारे बेटे की तस्वीर है, इसका दिल एक लड़की पर आ गया था, अगर वो तो टके की छोकरी न जाने अपने आप को क्या समझती थी। जवानी का जोश रगों में हमारा खून, एक दिन जी, हम जिंदगी भर आपके एहसान मंद रहेंगे, हमने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, लेकिन आज आपके सामने हाथ जोड़कर हम अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगते हैं। बाकी बाकी हम सब ठीक कर लेंगे, आपसे सिर्फ इतनी विनती है कि आप उसके खिलाफ अदालत में कोई गवाही न दें, बस यही सोच ले कि आपकी आंखों ने कुछ नहीं देखा।
हम ठाकुर है चौधरी साहब, हमारे खानदान में झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप समझा जाता है। और उसने हमारे बेटे के खिलाफ गवाही दे दी। हमारे इकलौते जवान बेटे को फांसी हो गई। जी तो चाहता है कि टुकड़ान की पोटी पोटी करके उसके टुकड़ों को चीलकवों के आगे डाल दो, लेकिन नहीं, वो मौत टुकड़ान के लिए बहुत आसान हो जाती। हमने सोचा कि हम उसे जिंदा रखेंगे और उसके दिल पर ऐसे ऐसे घाव लगाएंगे जिसे वो मरते दम तक बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। उसी दिन से हमारी जिंदगी का एक मकसद सिर्फ एक ही मकसद बनकर रह गया, उस घर की तमाम खुशियों को गम में बदल देना, उस खानदान के तमाम चिरागों को बुझा देना। हमारे सीने में जो आग लगी हुई है नागनाथ, वो तब तक खटती रहेगी जब तक हम दुकान को खून के आंसू ना रुला दें। ये क्या है? ये बहन का प्यार है भैया, जो 15 साल से आपका इंतजार कर रही है। लेकिन इतनी सारी राखियां? मुझे तो पूरा यकीन था भैया कि एक दिन आप जरूर आओगे, इसीलिए मैं हर साल आपके नाम की राखी संभाल कर रखती थी। आज सुबह सुबह बहन ने भाई को पकड़ लिया। अरे इतनी सारी राखियां, पगली कहीं की। मां आज तो कितने अरसे बाद हंसते हुए नजर आ रही है। अब मेरा बेटा आ गया है, अब तो मैं हंसती ही नजर आऊंगी। माँ जी आपकी दवाई। ये दवा ले जाके कुएं में फेंक दो, अब इसकी जरूरत नहीं है। भगवान ने मेरी दवा भेज दी है, मेरा बेटा। चल बेटा तुझे सारा कारोबार समझा दूं और सारी जायदाद भी दिखा दूं। आ चल। ये जंगल, ये पहाड़, ये बगीचे, जहां तक तुम्हारी नजर जाती है ये सब तुम्हारा है बेटे। सलाम माँ जी। जीते रहो अनवर। छोटे मालिक, हम सब कर्मचारियों की तरफ से सलाम कबूल कीजिए। नमस्ते। ये अनवर है बेटे, हमारी एस्टेट का पहरेदार। ये यहाँ अकेला पहरेदारी करता है? हाँ छोटे मालिक, ये तो माँ जी की मेहरबानी जो उन्होंने मुझे यहाँ नौकर रख लिया। वैसे तो यहाँ पहरेदारी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई चोरी होती नहीं, इसीलिए सरकार ने यहाँ कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं बनाया। यहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन नहीं? बस एक है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। बेटा राजा, लगता है तकदीर को तुझ पर तरस आ ही गया है। इससे अच्छी छिपने की जगह तुझे और कहीं नहीं मिल सकती। छोटे मालिक, सुना आपने शादी भी कर ली है, छोटी मालकिन को क्यों नहीं लाए? हाँ बेटा, अब बहू को लिया, उसे देखने के लिए बहुत बेचैन हूं मैं। मैं विजय बनकर उस घर में सिर्फ इसलिए घुसा ताकि मैं कुछ दिनों के लिए पुलिस से बच सकूं। राजा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना तुम मुझसे प्यार करते, ना बाबू दादा से तुम्हारा झगड़ा होता, और ना तुम... नहीं आरती, जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ। मैं बहुत खुश हूं, विजय की माँ मुझे बेटा समझती है, उसकी बहन पुष्पा मुझे भाई मानती है, वहां के लोग मुझे छोटे मालिक कहते हैं, और इसके अलावा वहां पुलिस का कोई खतरा नहीं। लेकिन इन सब हालात को बनाए रखने के लिए तुम्हें मेरे साथ मेरी बीवी यानी कि विजय की पत्नी बनकर वहां चलना होगा। चलोगी ना? राजा, मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। जीती रहो, सदा सुहागन रहो बहू। चलो आओ मेरे साथ। अरे ये क्या है? भैया के लिए दूध। दूध? क्यों, आप भैया को दूध नहीं पिलाती? आ?
अरे हाँ, शहर में रहने वाले लोग तो आधे अंग्रेज हो जाते हैं, वहाँ तो दूध की जगह शराब चलती होगी। कहीं भैया तो शराब नहीं पीते? हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं पीते हैं। चलो शुक्र है। अरे भैया कहाँ हैं? वो तो नहा रहे हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे भाभी, भैया पीते हो या नहीं, आज से उन्हें दूध जरूर पिला देना। ठीक। क्या देख रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? तो खुला रखे सोता। कमरा बहुत अच्छा है। हाँ। बिस्तर भी बहुत अच्छा है। हाँ। खिड़की दरवाजे बंद है तो बत्ती बंद कर दूं? लगता है मुझे दूसरे कमरे में सोना पड़ेगा। हाँ, मां को शक हो जाएगा, पूछेगी कि मियां बीवी साथ में क्यों नहीं सो रहे, तो फिर क्या जवाब दोगी? कहूंगी कि आपका बेटा मुझे बहुत सता रहा है। तो फिर माँ कहेगी कि पति है, पत्नी को नहीं सताएगा तो और किसको सताएगा? हाँ? देखो राजा, हाँ? ये मत भूलो कि अभी हम पति पत्नी हुए नहीं, मेरे लिए तुम पति सिर्फ इस कमरे के बाहर हो। लेकिन मेरे लिए तो तुम पत्नी इस कमरे के बाहर भी हो और अंदर भी। और फोन राजा छोड़ू। राजा, ये तुम्हें क्या हो गया? राजा उठो। राजा
होता है। स्टेट में? हाँ क्यों? बस यूं ही, बड़े भैया तो भूल के भी कभी स्टेट में नहीं आते थे। अच्छा क्यों? जी उनको शराब की बुरी आदत पड़ गई थी। स्टेट में क्या, वो तो कभी गांव में भी नहीं रहते थे। सुना है औरत और शराब उनकी कमजोरी हो गई थी। हो गई थी मतलब? आपको नहीं पता छोटे मालिक, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। धीरज बाबू का शहर के किसी राजा नाम के गुंडे ने खून कर दिया। धीरज माजी का बेटा था? छोटे मालिक हाँ? आप ऑफिस में जाके बैठ जाइए, मैं मैनेजर साहब को इतला करता हूं। नमस्ते विजय बाबू। नमस्ते विजय बाबू, मेरा नाम नागनाथ है और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। ओह हाँ, माजी ने बताया था। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? ये ऑफिस के काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मेरे जैसा शरीफ और ईमानदार आदमी आपको नहीं मिलेगा साहब। लगते हो। थैंक यू सर। साहब दिल्ली से कोई आए हैं? भेज दो उन्हें। आइए सर, वेलकम, तशरीफ रखिए। धन्यवाद। मेरा नाम नागनाथ है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। हेलो। और यह है विजय बाबू। मंत्री महोदय ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी? बोलो ब्रूस ली। चिट्ठी ध्यान से खोलिएगा विजय बाबू, डांडा फोड़ देंगे। भाई नागनाथ, मेहमान लोगों के लिए कुछ चाय, ठंडा गर्म कॉफी का इंतजाम करो। जी जल्दी, जरा मीठा भी। जी लस्सी, छह ग्लास। एक चोर, उचक्का, मालिक की कुर्सी पर बैठकर बहुत ही अच्छा लगता हुआ, सचता हुआ, बिल्कुल वैसे लगता हुआ जैसे मेंढक की आंखों पे चश्मा। ओ मेरे राजा, मेरा प्यारा प्यारा राजा, कहीं अपन के राजा को नजर ना लग जाए, जरा काला टीका तो लगा दू। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? अरे ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, फिर तेरे जैसे शैतान को ढूंढना कौन सा मुश्किल है। हटे बचा के। देखो मेरे बाप लोग, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, वो माल मेरे पास नहीं है। वो माल तेरे पास नहीं है यानी कि दूसरा माल हाथ में लगने की संभावना है। क्यों तंग करते हो बेचारे को? तंग मत क्या करो, क्लीन बोल्ड होने से बचने की पूरी तैयारी, पुरानी दोस्ती को याद करते हुए। देखो राजा, एक काम करते हैं, इन दोनों का हिस्सा दे देते हैं, वरना साले बहुत बदमाश हैं, तेरा भांडा फोड़ देंगे। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। मंजूर है। अब जरा ये बताने का कष्ट करते हुए कि माल कब मिलेगा? माल मैं थोड़ी अपनी जेब में लेकर घूमता हूं कि निकाल के दे दूं, टाइम लगेगा, सबर करो। अरे भाई ये तो इसको भी पता है, अगर इसका भांडा फूट गया तो ये आपकी बात सीधा फांसी पर जाएगा। क्यों राजा? क्या कह रहे हो तुम राजा? धीरज माजी का बेटा था? हाँ आरती,
मैं समझता था कि तकदीर को मुझ पर तरस आ गया। माँ बहन पुलिस से बचने की जगह दे दी मुझे, लेकिन सच्चाई के एक अमाचे ने सारे सपने तोड़ दिए। धीरज के खून के सिलसिले में पुलिस यहां कभी भी आ सकती है। तो फिर चलो राजा, हम यहां से कहीं और चले जाते हैं। जाना तो पड़ेगा आरती, लेकिन जाने से पहले एक और पाप करना पड़ेगा। क्या? इस घर में चोरी? नहीं राजा, अब हम पाप की नहीं मेहनत की कमाई खाएंगे। दिल तो मेरा भी यही चाहता आरती, मेरी आत्मा भी गवाही नहीं देती कि मैं उस बेसहारा औरत को धोखा दूं, लेकिन क्या करूं, पुलिस से तो मैं किसी ना किसी तरह से बच जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने उन तीनों का मुंह दौलत के साथ बंद नहीं किया तो मेरा यहां तो क्या, वो पाताल तक पीछा करेंगे। लेकिन राजा वो तो आरती, पुराने पापों से छुटकारा पाने के लिए हमें यह आखिरी पाप करना ही पड़ेगा। आज रात को तैयार रहना। कोई बात नहीं है ना डॉक्टर साहब? नहीं मां जी, मामूली चोट है, फिक्र की कोई बात नहीं। आप ये दवाई इन्हें दो दो घंटे बाद देते रहिएगा जी, जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, मैं अब चलूंगा, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुलवा लीजिएगा जी। गुड नाइट मां जी, आप आराम कीजिए, मैं इनके साथ बैठती हूं। नहीं बहू, 15 साल का कर्ज है मेरी ममता पर, वो मुझे चुका लेने दे, इस हालत में मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। पुष्पा तू बहू के कमरे में जाके उसके पास सो जा, जा। जी चलिए भाभी, चलिए। सुबह हो गई, तू सोई नहीं? अगर बेटे की तबीयत ऐसी हो तो किसी मां को भला नींद आ सकती है? दवा पी ले। ले, मुंह खोल। कड़वी होगी, मेरे हाथ से पी के देख, मीठी लगेगी। कड़वी थी?
मीठी थी। मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आती हूँ, लेटा रहे। एक बात समझ में नहीं आ रही यार, ये राजा ठीक होने के बाद भी हमसे मिल क्यों नहीं रहा? मुझे तो लगता है कि वो फिर से हमें धोखा देना चाहता है। यानी कि साली की नियत में खोटाते हुए? कुछ करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि अपन का जो साला दोस्त है ना, गिर गिर से जल्दी रंग बदलता है। माँ जी ने नाश्ता कर लिया? माँ जी का तो आज से 3 दिन तक निर्जल व्रत है। निर्जल व्रत? पानी तक नहीं पीते इस व्रत में। क्यों? माँ जी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि जिस दिन आप ठीक हो जाएंगे उस दिन से 3 दिन तक निर्जल व्रत रखेंगे। क्या हुआ राजा? लगता है सीढ़ियों से गिराकर ऊपर वाले ने मुझे अपनी नजरों में गिरने से बचा लिया। इस औरत को अगर हम लूटते ना तो ऊपर वाला हमें कभी माफ नहीं करता। इसका कोई नहीं आरती, और ये मुझे अपना बेटा समझती है। आज से मैं इसका बेटा ही बनकर रहूंगा। कितने दिन तक ये मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक हम यहां हैं हम इसे सुखी रखेंगे। राजा, माँ जी आ जाए तो ये चाबियां उन्हें दे देना, मैं नहाने जा रही हूँ। ये तो तिजोरी की चाबियां हैं। हाँ, माँ जी अपने कमरे के टेबल पर भूल गई थी। वो नहीं भूली, ऐसा बोलो कि हमारी किस्मत ने उसे भुला दिया। घबराने की कोई बात नहीं, ठकुराइन और बेटी दोनों घर से बाहर, दूर दूर तक फील्ड बिल्कुल खाली, सिक्सर मारने के पूरे चांसेस, और तीनों की एंट्री बिल्कुल सही वक्त पर। राजा, मौका अच्छा है, तिजोरी साफ करके भाग चलते। नहीं राजा, ऐसा पाप नहीं करेगा। लो बोलो, पापी पाप नहीं करेगा तो क्या मंदिर की घंटी बजाएगा? बात करती है। सोचने का भी कोई वक्त नहीं। तिजोरी के कमरे की तरफ जाते हुए, ना मैं इस घर में चोरी करूंगा और ना तुम लोगों को करने दूंगा। देख राजा, आज तक हम तेरी हर धोखेबाजी को बर्दाश्त करते आए हैं, लेकिन अगर अब तूने वो नहीं किया जो हम चाहते हैं, हम तो तेरी। मैं जो कर रहा हूँ अपनी आत्मा की शांति के लिए और अपनी माँ के भरोसे की हिफाजत के लिए कर रहा हूँ। तेरी हिफाजत की तो फिल्डिस वापस आते हुए कैच आउट होने के पूरे चांसेस, चाकू फाड़ जेब में, भला मानस बनने की पूरी तैयारी, हाथ जोड़ के खड़े रहते हुए। नमस्ते माँ जी। जीते रहो, लेकिन तुम लोगों को पहचाना नहीं। हम आपके बेटे के दोस्त हैं। अरे आपको इसे बताया नहीं? लगता है कि ममता की दौलत की खुशी मिलने के बाद ये अपने सब पुराने दोस्तों को भूल गया है ना? बहुरानी, ये सामान जरा तिजोरी। मेरी चाबी कहाँ है? चाबी मेरे पास है माँ। ला बेटी, ये सामान जरा दिखा देना। इन दोनों ने तुम्हारी कुछ खातिर भी की है कि नहीं? खातिर तो बहुत की। खातिर तो अब हम इसकी करेंगे। भाई कल ऑफिस तो आओगे ना? जरूर आऊंगा, नया मैच खेलने की पूरी तैयारी। अच्छा माँ जी, अच्छा जी, चलते फिर आना जरूर। जरूर, तेरे को नहीं चढ़ेंगे, आएंगे माँ जी, तेरा तो मैंने बजा लेंगे। हाँ माँ जी, माँ जी चांदी के बर्तन तार रखो। जरूर मैं आती हूँ। आदाब छोटे मालिक। अरे अनवर मियाँ, आओ आओ। अब आपकी तबीयत कैसी है? बस अब बिल्कुल ठीक हूँ। कहो, आज तुम घर कैसे आ गए? आपको दावत देने आया हूँ, आज मेरी शादी है, घर में कोई बड़ा नहीं इसलिए खुद चलाया। क्यों, तुम्हारे माँ बाप, कोई रिश्तेदार? छोटे मालिक, इस दुनिया में खुदा के बाद अगर मेरा कोई है तो आपकी माँ जी है, जिन्होंने एक चोर को पहरेदार बना दिया। चोर? हाँ छोटे मालिक, यतीम हूं ना, इसलिए बचपन में बुरी संगत में पढ़कर चोरियां करने लगा था। एक दिन शहर में माँ जी का पर्स चुराया और पकड़ा गया, लेकिन माँ जी ने मुझ पर तरस खाया और मुझे पुलिस के हवाले करने के बजाय घर ले आए, और उनके समझाने का इतना असर हुआ कि मैंने चोरी ना करने की कसम खा ली। तुम बड़े खुशनसीब हो दोस्त, काश दुनिया में हर चोर को मां जैसी समझाने वाली मिल जाए। अनवर, कब आए तुम? बस अभी अभी माँ जी। अच्छा माँ, आज अनवर की शादी है, दावत देने आया। सच?
ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई, बहुत बहुत मुबारक तुम्हें। शुक्रिया माँ जी। मैंने तो पाठ रखवाया है, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, पर मेरी तरफ से विजय और बहुरानी जरूर आएंगे। ये लो दुल्हन को मेरी तरफ से ये तोहफा। शुक्रिया माँ जी, अल्लाह इस घर की खुशियों को बुरी नजर से बचाए। विजय आज अनवर की शादी में जाने वाला है। भीड़ का फायदा उठाकर अगर तुम उसे गोली मार दो तो चौधरी साहब तुम्हें इस काम के पूरे 1,00,000 रुपए देंगे। अबू बाजार की पूरी खबर रखता है सेठ। चौधरी बड़ा अमीर आदमी है, किसी का खून करवाने के लिए वो 1,00,000 क्या मुंह मांगी कीमत दे सकता है, लेकिन मुझे अपना ये चेहरा ठीक करवाने के लिए पूरे 3,00,000 रुपए चाहिए। अगर चौधरी से 3,00,000 रुपए दिलवाते हो तो विजय क्या मैं उसके पूरे खानदान को खत्म कर सकता हूं। मुझे अपना ये चेहरा चाहिए। तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा बाबू दादा, तुम विजय को ठिकाने लगा दो। देखो क्या होता है, मालिक आ गए। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते, क्या बात है? ये शादी का घर है ना, शहनाई ना बैंड बाजा ये सब। अब क्या बताए मालिक, किस्मत ही खराब है बेचारे अनवर की, शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है क्यों? मैं तो काका ने दूल्हे को पहचान लिया, वो कहते कि वो एक चोर है, अंदर पंचायत का फैसला चल रहा है, पता नहीं क्या फैसला होता है मालिक। मैं अब एक शरीफ आदमी हो गया हूँ, इज्जत और मेहनत की रोटी कमाता हूँ, मैं सुधर गया हूँ सरपंच जी। चोर चोरी करना भले ही छोड़ दे, लेकिन हेरा फेरी करना नहीं छोड़ सकता। ये कहावत है, बड़े बड़े डाकू महात्मा बन सकते हैं तो एक चोर शरीफ इंसान क्यों नहीं बन सकता? अरे छोटे ठाकुर, आप इसे नहीं जानते, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, ये बहुत बुरा आदमी है। दुनिया में कोई इंसान बुरा नहीं होता मेदू काका, हालात मजबूरी माहौल उसे बुरा बनाता है। चोर कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता, ये दुनिया उसे चोर बना देती है। तुम्हारी सारी बातें ठीक है छोटे ठाकुर, लेकिन जहरीले दांत निकाल देने से भी सांप से तो डर लगता ही है। ये शादी नहीं हो सकती, ये पंचों का फैसला है। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लीजिए सरपंच जी, या तो मैं यहां से शादी करके जाऊंगा या फिर यहां से मेरी लाश जाएगी। अरे सरपंच के सामने जुबान चलाता है, धक्के मार के बाहर कर दूंगा।
चिल्लाओ मत सेठ, लो घूंट मार लो, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसके सुनते ही तुम्हारे पांव तले से जमीन निकल जाएगी। क्या बकता है? बकता नहीं, वो ठकराइन का बेटा नहीं है, वो मुंबई शहर से आया हुआ एक साला बदनाम चोर है। राजा, राजा आइए, विजय बाबू आइए बैठिए। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? मेरा इस तरह बैठना अच्छा नहीं लगा आपको? शायद तुम अब यहां और काम नहीं करना चाहते हो। बिल्कुल ठीक समझा आपने, काम करते करते मैं थक चुका हूं, सोचता हूं सारे कारोबार का मालिक ही बन जाऊं। नागनाथ, घर की रखवाली करने वाला कुत्ता जब घर वालों पर ही भौंकना शुरू कर देता है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है जानते हो तुम या नहीं? आप ही बता दीजिए राजा साहब। क्यों, अपना असली नाम मेरे मुंह से सुनके घबरा गए क्या? मालिक, मैनेजर साहब, आपने हमें बुलाया? जी हाँ, तुम्हारे दिल्ली वाले दोस्त भी आ गए हैं। राजा? राजा कौन है राजा? कौन है राजा? अब बनने से कोई फायदा नहीं, मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है। तुम इंदर हो, तुम चूसली, तुम भीमा हो, बंबई शहर में रहते हो, वहां राजा के साथ मिलके चोरी चकारी करते हो। यहां भी इसी मकसद के लिए आए थे ना, ताकि इस घर को लूट सको। क्या इंफॉर्मेशन है? बहुत दिन आराम से हराम की रोटियां तोड़ ली तुम लोगों, अब मैं तुम्हें जेल की रोटियां खिलवाऊंगा। लेग ब्रेक देते हुए, बड़े भाई आप हमारे बारे में तो सब कुछ जान गए, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम आपके बारे में भी रखते हुए। अच्छा, जो तुम्हारा मकसद है वही हमारा मकसद है, मतलब तुम्हारी नजर भी तो उस घर की दौलत पर है ना। मेरे पास एक छोटा सा बढ़िया आइडिया है, क्यों ना हम लोग एक साथ मिलकर उस घर को लूट ले, तुम्हारा भी हो जाएगा काम और हमारा भी हो जाएगा काम। बढ़िया आइडिया देते हुए काफी समझदार हो तुम लोग, वेरी गुड। राजा, राजा तुम्हारा क्या इरादा है? राजा पुलिस को मेरी असलियत बता दो, इसलिए कि उस घर को लूटने में मैं तुम लोगों का साथ नहीं दूंगा। मती भ्रष्ट होते हुए जिंदगी भर भूखे रहने की पूरी तैयारी। दोस्तों, आज पहली बार मैं तुम्हें अपनी दोस्ती का वास्ता देता हूं, अगर मुझे अपना यार समझते हो तो मेरी खातिर तुम लोग ये काम नहीं करोगे। राजा, हमारी दोस्ती है पैसा और यारी है दौलत, और ये दोनों चीजें ये हमको दे रहे हैं। अब तू ही बता, भला हम तेरे साथ रहेंगे या इनके साथ? हम तीनों आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। बेफिक्र रहो दोस्तों, राजा भी हमारा साथ देगा। राजा, तुम अपनी उस कैबरे डांसर बीवी के साथ बैठकर ठंडे दिमाग से सोच लो, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूं। राजा के दोस्तों का तुमसे हाथ मिलाना, उसका नकली विजय बनकर ठुकरान को धोखा देना, और धीरज के खून का इल्जाम उसे इस बात पर मजबूर कर देगा कि वो तुम्हारी हर बात माने। सबसे पहले हमारा इरादा ठकुराइन की तिजोरी साफ करने का है। बेवकूफ, अपनी दौलत खुद लुटाना चाहते हो? अपनी दौलत? हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी ठकुराइन की बेटी के साथ की जाए, उसकी तमाम दौलत तुम्हारे नाम की जाए, और ये दोनों काम राजा विजय बनकर ठकुराइन से करवा सकता है। लेकिन इससे आपको क्या फायदा होगा? फायदा? ये मेरे इंतकाम का आखिरी बार होगा। तुम एक शराबी हो, अय्याश हो, तुम उसकी बेटी के सामने उसी की हवेली में दूसरी औरतों के साथ अय्याशी करोगे, और फिर मैं ठुकराइन से जाकर कहूंगा कि ठुकराइन, तुमने मेरे बेटे को आवारा बदमाश कहकर फांसी पर चढ़वाया, अब तुम्हारी खुद अपनी इकलौती बेटी एक आवारा बच्चल इंसान की पत्नी बनी हुई है। वो जीना चाहेगी जी नहीं सकेगी, मरना चाहेगी मर नहीं सकेगी। मान गए चौधरी साहब, बेटे का ऐसा इंतकाम किसी बाप ने नहीं लिया होगा। मुझे यकीन है कि राजा विजय बनकर यह काम जरूर जरूर करवाएगा।
चले गए थे तुम? माँ जी तुम्हें पूछ रही थी, कह रही थी पुष्पा का रिश्ता तय हो चुका है और वो लोग फौरन शादी करना चाहते हैं। मैंने माँ जी से कहा भी कि इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है, तो पता है माँ जी ने क्या कहा? माँ जी ने कहा कि जब विजय है तो मुझे किस बात की चिंता, मेरा विजय तो सब संभालेगा। अरे तुम इतने चुप क्यों हो? नागनाथ को हम सबकी असलियत का पता चल गया। मेरे तीन दोस्त भी उसके साथ मिल चुके हैं और अगर मैंने दो दिन में चोरी नहीं की तो वो हमारी पोल खोल देगा। इसका मतलब है कि हमें फौरन यहां से भागना होगा। नहीं आरती, पुष्पा ने मुझे राखी बांधी है, मैं उस बंधन का कर्ज चुकाए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। पुष्पा की शादी मैं बड़ी धूमधाम से करूंगा। लेकिन अगर उन्होंने बता दिया कि तुम माझे के असली बेटे नहीं हो और पुलिस तुम्हें तलाश कर... भी हो जाए, चाहे मुझे फांसी क्यों ना लग जाए, लेकिन मैं उस मां के साथ धोखा नहीं करूंगा जिसने एक मनहूस यतीम पर अपनी ममता का आंचल डाला है और फिर उस बेचारी को तो यह भी नहीं पता कि उसका असली बेटा विजय इस दुनिया में नहीं है। माँ, क्या हुआ माँ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ तो बताओ ना माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे धीरज की याद आ गई। उसकी याद को तो मैं तेरे दिल से नहीं निकाल सकता हूं, लेकिन ये बेटा तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता माँ। हाँ बेटा, भगवान ने मुझे तो जैसा बेटा दिया है ये क्या कम है। अब मैं कभी नहीं रोऊंगी, कभी नहीं रोऊंगी। क्या वो साला राजा धीरज के घर में उस ठकराइन का बेटा बनकर रह रहा है? हाँ साहब, जो होलिया आपने भेजा था बिल्कुल वही है साहब। तो फिर असली विजय सिंह कहाँ है? नौ नंबर वाले पेशेंट जो कोमा में थे उन्हें होश आ गया। थैंक गॉड। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर डॉक्टर। तुम्हें कुछ याद आ रहा है? हाँ, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। और कुछ तुम्हें अपना कुछ नाम पता याद है? हाँ, मेरा नाम विजय सिंह है और मैं हीरापुर का रहने वाला हूँ। विजय सिंह हीरापुर? जी हाँ। मेरे पिता का नाम ठाकुर प्रताप सिंह है और मेरी माँ का नाम विमला देवी है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों, आपको विश्वास नहीं हो रहा? मुझे कैसे विश्वास हो? बिमला देवी का मैं फैमिली डॉक्टर हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन मेरा उनके घर में आना जाना रहता है। बिमला देवी के बेटे विजय सिंह को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। विजय सिंह को? जी हाँ, जो बचपन में घर से भाग गया था और 15 साल बाद शहर से वापस लौटा है। आपको शायद कोई धोखा हुआ होगा। अब समझ गया तू कौन है। चलो चलो जल्दी करो, बहुत काम बाकी है। सुनो, तुम ऊपर के कमरे सजा दो। अरे तो मिठाई की दुकान पर हो गया है। वो जो फूल मंगाए थे वो तो तुमने बाहर लगा दिए, यही नीली पीली झंडिया लगा दी। चलो ये फूल ताजे करो। ओफो, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? वहाँ इधर आओ, बैठो, आराम करो, मैं सब कुछ संभालूंगा। अच्छा भैया, आपको भी तो आराम की जरूरत है। पुष्पा, बस एक बार तुझे डोली में बिठा दो, फिर मेरे लिए आराम ही आराम है। विजय अभी तक जोहरी जेवर नहीं लाया है। क्या अभी तक नहीं लाया? चलो हम लोग जाके लाते। मां, मैं अभी जेवर लेके आता हूँ। साया तुम्हारा साथ छोड़ सकता है साले, मगर हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ी तुम्हें पकड़ने के लिए, बाढ़ ढूंढना पड़ा है। चलो बाहर निकलो, आउट। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं इंस्पेक्टर साहब,
लेकिन आज शाम मेरी बहन की शादी है, बस मुझे शाम तक की मोहलत दे दीजिए। तुम्हारी बहन की शादी है, हाँ? साले तुमको मोहलत चाहिए? शराफत से मेरे साथ चले चलो, वरना मारते हुए पुलिस स्टेशन तक ले जाऊंगा। चला। जो तुम राजा ने नहीं किया है, मेरा विश्वास कीजिए। मैं शराफ, तुमने एक खूनी का साथ दिया है, तुम भी एक मुजरिम हो। चला जीप में बैठो, चला तुम भी। गुड मॉर्निंग सर, आपने हमारे से पहले इस मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया, ये अच्छा किया साहब। इसे हमारे हवाले कर दीजिए, हम इसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हैं। करो तुम लोग। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं राजा, जिस तरह तुम नकली बेटे हो उसी तरह हम नकली पुलिस वाले हैं। चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना तुम्हारी महबूबा को गोली मार दी जाएगी। कहां ले जाना चाहते हो? नागनाथ साहब ने याद किया है आपको? आइए आइए राजा साहब आइए। सबसे पहले तो आप मेरा शुक्रिया अदा करिए कि मैंने नकली पुलिस भिजवाई, वरना इस वक्त आप जेल की सलाखों के पीछे होते। समय बर्बाद नहीं करते हुए चूसली, गेम खेलो गेम। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? अब बताते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे भी शादी तो शाम को है, जब तक दूल्हा यहाँ है तो शादी कैसे हो सकती है? इतना चौंक क्यों गए तुम? पुष्पा के साथ मेरी शादी होगी, और वैसे भी वो तेरी सगी बहन तो है नहीं? मेरे लिए वो सगी बहन से भी ज्यादा है। लगता है तुझे असली पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। मैं खुद जाकर पुलिस को अपनी असलियत बता दूंगा, लेकिन फांसी के डर से अपनी बहन को बेचने का पाप कभी नहीं करूंगा। दुनिया जिसे पापी कहे वो पाप ना करने की बातें करता है। राजा राजा, तुम मारते क्यों नहीं इसे? मैं जानती हूं उन सबके लिए तुम अकेले ही काफी हो। नहीं आरती, हम पापियों के लिए दोस्ती एक पाक रिश्ता है। मैं देखना चाहता हूं कि इस रिश्ते की पवित्रता को दबाने का पाप मेरे पापी दोस्त कब तक करते हैं। देख क्या रहे हो, बांधो साले को। मैं तुझे इतना मारूंगा कि अगर वो तेरी सगी बहन भी होती तो भी तू उसकी शादी मेरे साथ करवा देता। शादी करवाएगा कि नहीं? कभी नहीं। नहीं? वो शादी करवाएगा कि नहीं? कभी नहीं। नहीं करवाएगा? नहीं। कभी नहीं? नहीं। कैसे नहीं करवाएगा? जब तक तू हार नहीं बोलेगा मैं तुझे मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। नहीं करवाएगा? बस नागनाथ, हम इससे ज्यादा मार नहीं खा सकते। इसका मतलब यह हुआ कि तुम लोग इसके साथ हो? हम लोग हमेशा इसके साथ थे, हमेशा साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन तुम लोग तो और ये नए मैच की पहली बॉल।
जाओ वरना। और ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि नागनाथ हमारा दोस्त है, हम नागनाथ की शादी पुष्पा से करवाकर उस खानदान की तमाम जायदाद का इकलौता वारिस से बनाएंगे और ये काम हम तुम लोगों के सामने करेंगे। रघु तुम इस लड़की पर नजर रखोगे चौधरी साहब, और तुम ठुकरायन और पुष्पा को लेकर भैरवगढ़ पहुंचोगी। अपने बेटे की जान बचाने के लिए मां अपनी बेटी को साथ लेकर वहां जरूर पहुंचेगी। और हां एक बात कान खोलकर सुन लो लड़की, अगर तुम अपने आशिक की जान बचाना चाहती हो तो इस राज को राजी रखना कि यह हरामजादा उस बुढ़िया का असली बेटा नहीं है। माँ जी, अरे इतनी देर कहां लगा दी, विजय कहां है? माँ जी क्या बहू नहीं है बेटी, क्या हुआ भाभी? अरे कौन हो तुम लोग? तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है ठकुराइन, तुम अगर फौरन अपनी बेटी को लेकर हमारे साथ नहीं चली तो तुम्हारी बेटी की डोली उठने से पहले तुम्हारे बेटे की आरती उठ जाएगी। ये क्या कह रहे हैं? हाँ माँ जी, उनकी जिंदगी खतरे में है, मगर अब आपसे हकीकत नहीं छुपाऊंगी, विजय आपका बेटा। ठकुराइन वक्त बर्बाद मत करो वरना बेटा जान से जाएगा। आओ ठुकरान आओ, याद है एक दिन तुमने हमारे बेटे के खिलाफ गवाही देकर उसे फांसी के फंदे पर चढ़वा दिया था? आज हम गवाह बनकर तुम्हारी बेटी की शादी करवाएंगे, इस नागनाथ के साथ इसका घर बसाएंगे। वो बात दूसरी है कि वो घर इसके लिए एक जीती जागती कैद होगी जिसमें सिर्फ रोने और तड़पने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा इसे। चौधरी हमारे जीते जी तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपना? हाँ, जिसे तुम सपना समझ रही हो ठुकरान, वो एक ऐसी सच्चाई है जिसे तकदीर लिखने वाला भगवान भी नहीं बदल सकता। शर करूंगा कि तेरे घर वाले भी तेरी लाश पहचान नहीं सकेंगे। ऊंची आवाज में बोलकर तुम अपनी मौत को ज्यादा देर टाल नहीं सकते। अरे खामोश, जब तक इसके दोस्त जिंदा है चौधरी, तुम लोग तो क्या नल से तुम्हारे बाप दादा भी आ जाए तो भी इसका बाल बांका नहीं कर सकते। चुप बे हरामजादे, दोस्त कहते हो अपने आप को? हां अरे दोस्ती तो तुमने मुझसे भी की थी, मुझसे भी हाथ मिलाया था। तुम लोग दोस्त नहीं दोगले हो, पापी हो, और आज मैं तुम चारों पापियों को अपने ही हाथों से नाश कर दूंगा। गिनती भी ठीक से नहीं आती है नागनाथ, यहां चार नहीं पांच पापी हैं।
बाबा ने जो जुल्म किया है उसकी सजा तो तुम्हें भगवान देगा, लेकिन मेरे इस भगवान पर जो तुम लोगों ने जुल्म किया है उसकी सजा मैं खुद दूंगा। बोलो तुम दोनों में से किसकी अर्थी हम पहले उठाएं? आरती जरूर उठेगी, लेकिन सबसे पहले तेरी। कौन है तुम? वो भी पता चल जाएगा। हां तो मिस्टर विजय, पहचानते हो मुझे? भूलिए, तूने जो पाप किया है उसके बदले में मैं तुझे मौत की सजा देने आया हूं। आज तेरी जगह अगर मैं खड़ा होता ना तो शायद मैं भी तुझे इतना ही गलत समझता जितना इस वक्त तू मुझे समझ रहा है विजय। हां मां, ये विजय है तेरा असली बेटा। अगर ये मेरे भैया हैं, तो फिर तुम कौन हो? मैं पुलिस से भागा हुआ एक चोर हूं जिसे हालात और किस्मत तुम्हारे दर पर ले आई। बहन, हालात और किस्मत नहीं, तेरा लालच, तेरी चालाकी और तेरा कमीनापन। तूने सोचा था कि मैं मर चुका हूं और वापस इस दुनिया में नहीं आऊंगा, लेकिन नहीं, शायद भगवान को तेरे किए की सजा मेरे हाथों से दिलवानी थी, इसलिए मैं जिंदा हूं। और ठहरो दोस्त, ये तुम्हारा रूप लेकर तुम्हारे घर जरूर आया था, लेकिन तुम्हारी मां की ममता ने, तुम्हारी बहन के प्यार ने इसके मन के पाप को साफ कर दिया। फिर भी अगर तुम इसे जान से मारना चाहते हो तो दोस्त, पहली गोली तुम्हें इस सीने में चलानी होगी। नहीं, चलाओ गोली। नहीं, पहरेदार बन के जिस चोर ने तुम्हारे घर में पहरेदारी की हो, अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो उससे पहले गोली मुझ पर चलानी होगी। चलाओ गोली। जिंदगी के हर मैच में ओपनिंग हमेशा इंदर ही करता आया है, और आज भी पहली बॉल का सामना इंदर ही करेगा। चलाओ गोली, चलाओ। इस पापी को मारने के लिए मैं तुम तीनों को भून डालूंगा। इससे पहले तुझे अपनी मां को मारना होगा विजय। मां, तू मेरा बेटा है ये तो आज पता चला है मुझे, लेकिन अब तक तो उसे मैंने बेटा समझा है। उसे पहचानने में इस मां की नजर धोखा खा जाए, जिसे देखकर इस मां की ममता को शांति मिले, वो क्या नकली हो सकता है? नकली बेटी मां के जीने का सहारा नहीं बन जाते, बहन को असली भाई से बढ़कर प्यार नहीं देते, और अपनी जान दांव पर लगाकर इन शैतानों को बचाने नहीं चले आते। अगर ये बुरा है तो ऐसे बुरे सब हो, अगर ये धोखेबाज है तो हर घर में ऐसा धोखेबाज हो, और अगर ये पापी है तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि सारी दुनिया ऐसे पापियों से भर दे। ये सच है कि मेरा असली बेटा तू है, लेकिन अगर तुझे पाने के लिए मुझे इसे खोना होगा तो तू मुझे नहीं चाहिए बेटा। बस मां बस, मुझे नहीं पता था कि इस बहरूपी का एक रूप यह भी है। मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। तुमने हमारा दिल जीत लिया, इस बात का हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। बाबू दादा इनाम नहीं लेता, अपनी कीमत लेता है। चौधरी, तुम विजय से बदला लेना चाहते हो, और ठकुराइन अपने बेटे को किसी कीमत पर मरने नहीं देगी। तुम दोनों बोली लगाओगे, जिसकी बोली ज्यादा होगी विजय उसी का होगा। बाबू दादा, मुझसे चालाकी बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। ठकुराइन बोली लगाओ।
रमा, जब तक मैं जिंदा हूं तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। बाबू दादा, मरने से पहले पुलिस को अपना बयान दे दे, राजा को उस खून के इल्जाम से बचा ले, कम से कम एक का मचा करके जाओ। डॉक्टर, हाँ, तेरज का खून राजा ने नहीं किया। तो फिर किसने किया? मैंने किया है, और उसका खून करने के लिए चौधरी और नागनाथ ने मुझे पैसे दिए थे। हाँ, उन्हें मत छोड़ना। बाबू ने मरते समय अपना बयान दे दिया है, इस बार साले तुम बच गए। बच गया, धन्यवाद करते हुए राजा। मां, चल बेटा अब घर चल। मां दी, आपने हमसे हमारा दोस्त छीन लिया, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल गम नहीं है। देखिए ना, हम तीनों कितने खुश हैं। राजा, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। कहां जाओगे तुम लोग? हमारा क्या है मां, जहां रास्ता ले जाएगा वहीं चले जाएंगे। एक रास्ता मेरे घर तक भी आता है। भगवान ने एक बेटा छीनकर मुझे दो दो बेटे दे दिए, लेकिन मैं दो बेटों की मां नहीं, पांच बेटों की मां कहलाना चाहती हूं। ब्रूस ली, मां जी, जीते रहो।